बता सकते हैं। इस फिल्म की कहानी ड्रग्स टेस्टिंग पर बेस्ड होगी, लेकिन फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के फैंस ने उन्हें अनोखा तोहफा दिया। फैंस ने अपने पसंदीदा सुपरस्टार बच्चन की फिल्म सरकार 3 का प्रमोशन किया। प्रमोशन के दौरान सीनियर बच्चन के फैंस अमिताभ बच्चन के गेटअप में नजर आए। अमिताभ बच्चन की फिल्म सरकार 3 शुक्रवार को रिलीज हुई है। शाहरुख खान ने एक टॉक शो में अपने बेटे अब्राम से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर सफाई दी। शाहरुख खान ने कहा कि अब्राम का जन्म सैरोगेसी से ही हुआ था। यशराज फिल्म्स के अमिताभ बच्चन और आमिर खान स्टार अपकमिंग फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए आखिरी ठग के रूप में कैटरीना कैफ को फाइनल कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर आमिर खान ने कैटरीना कैफ का वेलकम किया। कैटरीना के अलावा फिल्म में दंगल गर्ल फातिमा सना शेख भी हैं। अबू धाबी में फिल्म टाइगर जिंदा है के सेट्स पर कैटरीना कैफ पहुंची। फिल्म में टाइगर का किरदार निभा रहे सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ को एक एक्शन सीन शूट करना है। टाइगर जिंदा है के सेट्स पर ली गई कैटरीना कैफ और सलमान खान की नई तस्वीर जारी की गई है। सोशल मीडिया पर तस्वीर को कैटरीना कैफ ने शेयर किया है। बॉलीवुड के पावर कपल मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ऑफिशियली अलग हो गए। वो कई महीनों से अलग रह रहे थे और अब फाइनली उनका डिवोर्स हो गया है। हालांकि मुंबई में हुए जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान एक साथ दिखाई दिए। रणबीर कपूर की शादी की खबरों पर कपूर खानदान ने ही ब्रेक लगा दिया है। रणबीर कपूर के चाचा रणधीर कपूर ने सस्पेंस ब्रेक करते हुए शादी की बात से इनकार किया और कहा कि अभी रणबीर की शादी वाली उम्र नहीं है।